एनएसयूआई के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के निर्देश पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ में चल रहे कैंपस चलो यात्रा का नवीन जिले एमसीबी के चिरमिरी शहर में एनएसयूआई के साथियों के द्वारा शहर के समस्त शैक्षणिक संस्था में जाकर मूलभूत समस्याओं को देखा, शिक्षकों से जाना तथा छात्रों को आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली, जिसके निराकरण हेतु क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, विधायक एवं महापौर दोनों को ही अवगत कराया गया। इस दौरान एनएसयूआई के समस्त साथी सुधीर अग्रवाल, राहुल मलिक, अफसर अली, संजय सिरदार, कल्याण राव, प्राची तिवारी, रौनक, प्रेम सिंह मौजूद रहे। देखिए, छत्तीसगढ़ के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हमारे बहुत सम्मानी बड़े भाई नीरज पांडे जी का जब से यहाँ प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है, तब से उन्होंने छात्र हित के लिए हर एक नया कदम उठाने को तैयार किया है। हम लोगों ने उनके निर्देश का पालन करते हुए आज जो है जगह जगह हमारे जो चिरमिरी एरिया में जितने भी स्कूलें हैं, जितने भी आईटीआई भवन है एवं जितने भी कॉलेजेस हैं, इनमें सब में जा करके छोटी छोटी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए विधायक जी के माध्यम से हम सभी इसको अवगत कराएंगे तथा महापौर जी के भी सानिध्य में इसको हम जो है हल करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसे हम आईटीआई भवन में हैं और छात्रों से जाने की यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है, यहाँ पे रंग पेंट नहीं हुआ आईटीआई भवन में, और बसों की समस्या है, तो इसको लेकर के हम जो है विधायक और महापौर जी के बीच में समस्याओं को अवगत कराएंगे और बहुत जल्द इसका निराकरण करके हमारे एनएसयूआई की टीम को मजबूत बनाने का हम लोग जो प्रण और जो संकल्प हम लोगों ने लिया है इसको हम पूरा करेंगे।